टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे पास होता क्या है? हमारे पास एनर्जी की वो वाली अमाउंट, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज, जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है कि जब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में होती है विदाउट एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, जो पर्सन है ना वो वॉक कर रहा है ना, कोई भी एक्टिविटी उसकी नहीं हो रही है, वो रेस्ट कंडीशन पे है। लेकिन रेस्ट कंडीशन में जो उसकी बॉडी ने फंक्शन करनी है, जैसे कि रेस्ट कंडीशन में उसकी डाइजेशन हो रही है, उसकी रिस्पायरेशन हो रही है, उसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर होती है, उसके रेट को हम नेम देते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको हम बॉडीज मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। और अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, या कोई एक्सरसाइज वगैरह से इंक्रीज करते हैं, या पर्सन वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली बात है आपका BMR इंक्रीज हो जाएगा। अबाउट 70% टोटल कैलोरीज इसमें हमारे पास बर्न हो रही होती हैं, लेकिन ये जो फिगर आउट है ना, ये चेंज होता रहता है ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। और आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो किस तरह से बर्न होती हैं, किस तरह से यूटिलाइज होती हैं ड्यू टू योर रेस्पायरेशन, डाइजेशन, और जो आपका बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उनके जरिए। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। जेंडर सबसे पहले हमारे पास है। जेंडर में जो मेल होते हैं उनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। अगर हम वेट की बात कर लेते हैं, तो मोर वेट होगा मोर बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा। बिकॉज इसका रीजन ये आ जाता है कि आपके जो मसल्स हैं, अगर बॉडी में मसल्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फैट, अगर आपकी फैट कम होती है और मसल्स बहुत ज्यादा है, तो जितने ज्यादा मसल्स होंगे वो एनर्जी को उतना ही यूटिलाइज करेंगे, और जितना एनर्जी यूटिलाइज होगी इट्स मीन कि आपकी BMR इंक्रीज होगा। अगर हम बात हाइट की कर लेते हैं, तो जो जैसे कि लंबे लंबे लोग होते हैं, टॉल पीपल जो होते हैं, उनमें BMR इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट हाइटेड पीपल ड्यू टू द बॉडी सर्फेस। क्योंकि बॉडी सर्फेस ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा यूज होगी, एनर्जी ज्यादा यूज होगी तो डेफिनेटली BMR इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर एज में देख लेते हैं, तो जो हमारे पास चाइल्ड, चिल्ड्रन और एडल्ट पीपल्स होते हैं, इनमें BMR ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पीपल। क्योंकि जो एडल्ट और चिल्ड्रन होते हैं उनकी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। अब हमारे पास है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, हमारे पास इनका इनमें फर्क क्या है? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हमारे पास है कि रेस्ट कंडीशन में हो रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी हमारे पास है रेस्ट कंडीशन में हो रहा है, तो इनमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ना, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है जो रिक्वायर होती है, कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत है रेस्ट कंडीशन के अंदर। और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है कि हमारे पास कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है एट द रेस्ट कंडीशन। सो इनमें ये छोटा सा ही डिफरेंस होता है यही चीज का, कि बेसल मेटाबॉलिक रेट में एनर्जी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट का होता है कि कितनी वो रिक्वायर है, और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में कितनी वो बर्न अप हो रही है, कितनी वो यूटिलाइज हो रही है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करना चाहें, इसको परफॉर्म करना चाहें, तो हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? हमें वेटिंग मशीन चाहिए, हाइट मेजरिंग स्केल चाहिए, और एक कैलकुलेटर चाहिए। हम इसको किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे? पहले तो हम पेशेंट का वेट मेजर करेंगे, उसकी हाइट मेजर करेंगे, और देन हमारे पास फर्दर फॉर्मूला गिवन है जिसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करके बता सकेंगे कि उसका BMR क्या है। जो आपके पास मेल होता है उनमें नॉर्मल BMR जो आता है ना, वो 1600 कैलोरीज पर डे होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। जैसे हमने पीछे फैक्टर्स में भी पढ़ा है कि मेल में BMR ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, और यहाँ पे हमारे पास जो अगर एडल्ट वुमेन होगी, तो उसमें 1400 कैलोरीज पर डे हमारे पास उसकी नॉर्मल वैल्यू आएगी। आपके पास फॉर्मूला गिवन है, वुमेन BMR कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है, मेन का कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है। वुमेन BMR जो हमारे पास है वो 655 प्लस 4.35 मल्टीप्लाई बाय वेट इन IBs मीन आप पाउंड में वेट कैलकुलेट करोगे, प्लस 4.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस, आपने हाइट इंचेस में मेजर करनी है, माइनस 4.7 मल्टीप्लाई एज इन ईयर्स, जैसे कि 18 ईयर्स, 19 ईयर्स। इसी तरह मेन का BMR हमारे पास आ जाता है 66 प्लस 6.23 मल्टीप्लाई बाय वेट इन IBs मींस वेट इन पाउंड्स, प्लस 127 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस, इंचेस में हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस 6.8 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर्स, ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें हमारे पास थोड़ी कंडीशंस आती हैं कि आपका BMR ज्यादा होना अच्छा होता है या कम होना अच्छा होता है। तो उसमें ये है कि अगर BMR आपका ज्यादा होगा ना, मतलब क्या इस चीज को ये
रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो बॉडी में कैलोरीज यूज हो रही हैं, मतलब कि अगर हाई बीएमआर होगा तो आपकी बॉडी की रेस्ट कंडीशन में जो कैलोरीज यूज हो रही हैं वो बिल्कुल मेंटेन है, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब नॉर्मल वैल्यू में अगर आ जाता है, ये थोड़ा सा हाई आ जाता तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक जा रहा है, रेस्पिरेशन ठीक जा रही है, डाइजेशन ठीक जा रही है, उसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अगर आपका बीएमआर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। अब ये कम और ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपकी जो नॉर्मल अमाउंट है ना उससे थोड़ा सा बढ़ना, उससे थोड़ा सा कम होना, अगर ज्यादा बढ़ जाता तो इसका मतलब वो भी किसी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा होगा, और अगर वो बिल्कुल कम होता तो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली सी बात है स्लो होगा, तो वो भी किसी ना किसी डिजीज की तरफ जा रहा होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वुमेन है जिनका वेट है हमारे पास 105.8 पाउंड्स और उसकी हाइट है 59 इंचेस, एज उस पेशेंट की हमारे पास है 18 ईयर। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हम वेट इन आईबीस की जगह उसका वेट लिखेंगे, हाइट इन इंचेस की जगह उसकी हाइट लिखेंगे, एंड एज इन ईयर्स की जगह उसकी एज लिखेंगे। देन हम इन सबको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ओवरऑल इसको प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक वीमेन का आया हुआ है 1307.93 कैलोरीज पर डे, और अगर जो जो हम नॉर्मल वैल्यू देखे तो वो हमारे पास है 1400, मतलब कि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब ही है, तो ये इतना हार्मफुल नहीं होगा। अगर ये इससे भी कम जा रहा होगा, लाइक 1200 पे जा रहा है या 1000 पे जा रहा है, तो इट्स मीन कि कोई ना कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो थैंक यू।